नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति में एक नया लोकतंत्र से इसकी तुलना करें तो मार्गरेट थैचर भी तीसरी जीत में बहुत पीछे हैं, इंग्लैंड के दूसरे प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी बहुत पीछे हैं। आज तीसरी जीत और बड़ी हो रही है, 282, 303 और 402। जिन्हें जो काम किया है देश के लिए उनका सम्मान करते हैं, गरीब किसान आतंकवाद से पीड़ित देश की सुरक्षा के प्रति चिंतित, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी स्थायी सनातन का सम्मान, ये सब मिलकर साथ। राजनीति नाटक नहीं, राजनीति नौटंकी नहीं। राहुल गांधी पॉलिटिक्स से सीरियस बिजनेस, फटाफट करते चटाचट करते, ये कौन सी भाषा है भाई? एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और सभी दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जी। रवि जी, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, आकलन कमोबेश सभी एग्जिट पोल्स जो हैं देश में वो नरेंद्र मोदी की लहर नहीं सुनामी दिखा रही, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के कारण आप लोग जीत रहे हैं चुनाव? देखिए, एक बात समझिए प्रकाश, यहाँ पे बहुत अनुभवी पत्रकार है, नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति में एक नया मानक स्थापित किया। अगर बाकी लोकतंत्र से इसकी तुलना करें तो मार्गरेट थैचर भी तीसरी जीत में बहुत नीचे आ गई थी, इंग्लैंड के दूसरे प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी बहुत नीचे आ गए थे। आज तीसरी जीत और बड़ी हो रही है, 282, 303 और 400 के बाद। तो मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए उनका सम्मान करते हैं, गरीब किसान आतंकवाद से पीड़ित देश की सुरक्षा के प्रति चिंतित, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी स्थायी सरकार दे सकते हैं, सनातन का सम्मान, ये सब मिलकर साथ चल रहा है। लगातार तीसरी बार देश में केवल पंडित नेहरू ही चुनाव जीते थे और ये मॉडर्न पॉलिटिक्स में ये एक असंभव सा दिखता है, जो पहले हम देखते थे कि 7 बार 8 बार लोग चुनाव जीत जाते थे और एक नेता जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में पूरे देश को कन्वर्ट कर दिया है, और जैसे US में होता है और अन्य देशों में होता है। देखिए, मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा, नरेंद्र मोदी की समीक्षा और आकलन में पुराने विश्लेषण को थोड़ा अलग रखिए। नरेंद्र मोदी ने देश में क्या स्थापित किया है और जनता ने क्या उसको माना है? आप अच्छा काम करो, ईमानदारी से काम करो, शुचिता से काम करो, आपको आशीर्वाद। अब नौटंकी और नाटक की राजनीति साइड में जा रही है। मोदी जी ने जो काम किया, उनकी सरकार ने जो काम किया, मेरा सौभाग्य है, मुझे लंबा काम करने का सौभाग्य मिला। तो हमारे गवर्नेंस के परिणाम को जनता समझे, महसूस करे, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो 3 तलाक की बात हो। आज देखिए कश्मीर में सब्सिडी वोटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये जनता का स्वागत है। तो ये जो मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है तो जनता उनके साथ खड़ी है, तभी लगता है। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी को जनता जो है इतना आशीर्वाद दे रही है या इतना लोग चाहते हैं, और राहुल गांधी को लगातार क्यों नकारते जा रहे हैं लोग? आपको क्या लगता है, आप इतने दिनों से पॉलिटिक्स में है, लगभग 50 वर्षों से? देखिए, राहुल गांधी को मैं बहुत जवाब दे चुका हूं, मैं एक ही बात कहूंगा, राजनीति नाटक नहीं है, राजनीति नौटंकी नहीं है। राहुल गांधी पॉलिटिक्स इज सीरियस बिजनेस, मैं फटाफट कर दूंगा, चटाचट कर दूंगा, ये कौन सी भाषा है भाई? सब लोग आपके गवर्नेंस को देख रहे हैं, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, आप कहते मैं आया तो मैं फटाफट गरीबी हटा दूंगा, ये भाषा गलत है। तो जनता इसको क्या समझती है? तो हम भी चाहते हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कॉन्ट्रैक्ट हम तो नहीं ले सकते ना प्रकाश जी। अगर राहुल गांधी उनकी पार्टी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? जितना वोट नहीं मिलता है उतने ही हताश हो जाते हैं, उतने खींचते हैं। आजकल तो आप लोग भी बहुत ही आलोचना करते हैं कि आप भाजपा ही मीडिया वाले हो, आपको नहीं बाकी को बोलते हैं, सनातन का अपमान होता है, मैं देवी के खिलाफ लड़ूंगा, ये कौन समझाता है उनको? माओवादी हो गए हैं क्या? छोड़िए, ज्यादा क्या बोला जाए। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस की स्थिति है उसको देख के दया भी आती है। आती है क्या? आपको लगता है कि फिर से लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं मिल पाएगा उन्हें? अब ये मेरा काम तो नहीं है, भी चाहते हैं कि विपक्ष ठीक ठाक रहे, लेकिन विपक्ष को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है ना। मोटी बात प्रकाश जी है, जब तक दरबार में दरबारी संस्कृति बजती रहेगी,
दरबारी गायन होता रहेगा तो ये होगा ही होगा। बिहार के संदर्भ में आपको क्या लगता है 40 सीट में कितने सीटें आएंगी? 40 की तारीख की अभी में देखिए तो हद तक तो यही हो रहा है कि 35, 36, 37 ही आ रहा है सारे एग्जिट पोल। ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल का परिणाम बता रहे हैं, यहाँ भी जीतेंगे और जो मोदी जी का बड़ा वोट बैंक है जिनके साथ गरीब लाभार्थी महिलाएं खड़े हैं वो सब अल्टीमेटली इंडिया के साथ हैं और रहेंगे। एग्जिट पोल जो है ये परिणाम में कन्वर्ट हो जाएंगे 4 जून को, आप आशान्वित हैं? हमें कोई संदेह नहीं है, आपको है क्या? काफी बातचीत कर चुके हैं, देखिए मैं फिर कहूंगा, एनालिसिस आपको बताता रहा हूं, देश की राजनीति बहुत बदल चुकी है और दिल्ली में बैठकर जो एनालाइज करते हैं वो जमीन पर जाने चाहिए, जमीन को देखना चाहिए। और आज भी सनातन का सम्मान है, गरीबों की डिलीवरी है, कोरोना काल में उस टीका लगा, ये मोदी जी ने जो काम किया देश देखता है। जमीनी हकीकत में रिपब्लिक टीवी के माध्यम से आपको ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैमरा बताता रहा हूं। बताया, आपका भी अभिनंदन, आप भी जमीन को पकड़ने वाले पत्रकार हैं। तो ये थे रविशंकर प्रसाद, ये कहते हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो 4 जून को एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।